हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सवाल है। कोई सॉफ्ट ड्रिंक होती है, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है, वो 2 पैक में है। ठीक है, पैक मतलब किस किस तरह की उनकी शेप है। जैसे कोई कैन में आती है ना, कोई बोतल में आती है ना, कोई कीबोर्ड के शेप में आती है, घनाकार के शेप में जो डिब्बा बन के आता है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम आती है ना। अब देखिए, एक टीम की बनी हुई है, ठीक है, जो एक घनाकार है, क्यूबॉइडल है, जिसमें लेंथ हमें दे रखी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ब्रिथ, ठीक है, चौड़ाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो घनाकार हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। दूसरा हमें दे रखा है सेकंड वाला, प्लास्टिक में जो पैक है वो किस तरह का है, वो सिलेंड्रिकल टाइप है, जिसमें हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको धारिता, है ना, किसमें ज्यादा कैपेसिटी, किसकी ज्यादा है, किसमें ज्यादा ड्रिंक आएगी एंड कितनी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो हिंदी में भी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये कहता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। फर्स्ट, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेकंड वाला जो पैक है वो व्यास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास जो डायमीटर है उसका 7 सेंटीमीटर है वाले वृत्तीय आधार, आधार कैसा, वृत्त की तरह है, एंड 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। ठीक है, तो किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। धारिता जो कैपेसिटी हमें निकालनी है, तो बेसिकली हमें वॉल्यूम वहां पर निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको खुद ट्राई करें, है ना, जब नहीं होता है तो बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये मैंने सारी डिटेल लिख दी है जो भी क्वेश्चन में दी गई थी। तो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ टिन पैक, है ना, कैपेसिटी ऑफ टिन वाले जो पैक है, ठीक है, क्या टीन वाला जो पैक है, हम लिख सकते हैं धारिता। धारिता हमें यहां पर निकालनी होगी किसके, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट कैसा है, टीन का जो है वो डिब्बा है, टीन का पैक है। तो ये किस तरह का है, ये है क्यूबॉइडल घनाकार, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH, याद होगा आपको भी, है ना। तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तीनों डायमेंशन यहां पर हमें दी गई है, हमें सिंपल उसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये 5, 4, 15 सेंटीमीटर क्यूब किसमें आएगी, जो कैपेसिटी जो वॉल्यूम आता है किसमें आता है, जब सेंटीमीटर में गिवन है तो क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौका कितना हो गया, 60, तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर क्यूब फर्स्ट वाला आ गया। सेकंड वाला, सेकंड वाले हमें कैपेसिटी निकालनी है किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो डी हमारे पास गिवन है, तो आर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको लिख भी सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, और कुछ भी ले सकते हैं। तो आ जाएगा कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हिंदी में लिखोगे बेलन की धारिता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 7/2 ले लेते हैं ना, 2 बार लिख लेंगे इसको मल्टीप्लाई में, 7/2, 7/2, एच की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 7 से कट गया, 2 से ये कट जाएगा 11, और 2 से ये कट जाएगा कितना का, 5, तो आ जाएगा 11 × 7 = 35, ठीक है, 35 के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 35 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ हो जाएगा 83, 385, कितना आ गया, 385
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देख के पता लग रहा है ना किसकी ज्यादा कैपेसिटी है, सेकंड वाले की ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकें कितनी ज्यादा वो भी लिख लेंगे, है ना। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है जो प्लास्टिक वाले जो सिलेंड्रिकल पैक है सेकंड वाले की ज्यादा कैपेसिटी होगी, ठीक है। प्लास्टिक पैक ग्रेटर ग्रेटर देन किससे, टिन वाले पैक से। ये हमारे पास एक इसमें लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में लिख लेना प्लास्टिक प्लास्टिक डिब्बे की धारिता ज्यादा है या अधिक है, ठीक है। तो कितनी अधिक है वो भी हम निकालेंगे, है ना। वो हम कैसे निकालेंगे, 385 माइनस का 300 तो कितना आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कितनी है, 85 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर, ठीक है, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, अधिक है, ठीक है। ये हो गया, बस इसको नोट करिए, पहले ये भी लिख लीजिए ना, इसके बाद ये लिखना, इसके बाद नोट करना। और लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।